अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बना रहा हूँ गुडी बैग। जब अब लामा अंकल आने वाले हैं तो मैं जल्दी बनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम लामा अंकल। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। और हम सब अपने देखने वालों को भी ईद मुबारक और अस्सलामु अलैकुम। मैंने तो आपसे पहले अस्सलामु अलैकुम कर लिया था, आए नहीं थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। ये क्या बना रहे थे आप? मैं एक गुडी बैग बना रहा था अपने फ्रेंड्स के लिए, जो बाहर पुअर पीपल होते हैं, कोरोना वायरस में वो उनको पैसे भी नहीं मिल रहे, वो भूख लग रही है, तो उसमें चॉकलेट्स, टॉयज, ईद गिफ्ट और थोड़ा सा स्वीट्स भी। आप किस किस को देंगे? अपने फ्रेंड्स को और जो इधर हैं, और उनको भी दूंगा, पुअर पीपल को, होमलेस जो होते हैं। आप सबको ईद मुबारक भी कहेंगे और उनके साथ आप टाइम भी स्पेंड करेंगे। ओके, तो आप उनके लिए सबके लिए एक जैसा। गर्ल्स का थोड़ा सा डिफरेंट है, गर्ल में थोड़ी सी पिंक है। ओके, नाजरीन और सामईन, ईद की खुशियाँ आपको भी मुबारक हों। कोरोना वायरस की वजह से आपको इस ईद पर कुछ थोड़ी सी दुश्वारियाँ होंगी और बहुत से लोगों का गम भी होगा जो इस बीमारी की वजह से दुनिया से चले गए। कश्मीरियों का एहसास भी होगा लॉकडाउन की वजह से। लेकिन ये खुशियाँ बांटने का मतलब क्या होता है? कि हम एक दूसरे को ये एहसास दिलाएं कि वो तन्हा नहीं है, हम सब साथ हैं, दुख में भी सुख में भी। और ये एक दूसरे के लिए नेकी करने का टाइम है। अल्लाह करे हम आपस में खुशियाँ बांटें, नफ़रतें मिटाएं, जो रूठ गए हैं उनको मनाएं और अपने रब तआला को भी राज़ी करें ताकि हमें ईद की सच्ची खुशियाँ मिलें। आप भी कोई मैसेज देना चाहते हैं शीशमियाँ? क्या आप घर हैं और सेफ हैं, हम आपको ये भिजवा देंगे, फिर आप उससे खेलना और फन करना। ओके, तो आप भी तो घर पे रहोगे ना? मैं भी घर पे रहूँगा और एक गुड बाय मेरे लिए भी है। अच्छा, ये वाला आपके लिए। अच्छा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। मैं भी लाया हूँ। आप क्या लाए? क्या होना चाहिए मेरे पास? आप तो ईदी लाए नहीं। ईदी ही लाया हूँ आपके लिए। ओ, अच्छा जी, ये आपके लिए। जज़ाकुमुल्लाह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। अल्लाह आपको बहुत सारी ईदें दिखाए। ठीक है, और आप स्टोरी कौन सी सुनाएंगे? स्टोरियां तो शीशमियां बहुत सारी हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? जी। दो ईद क्यों होती है? एक बकरा ईद होती है और एक ईद होती है, बस। हाँ, ये आपको बताता हूँ मैं शीशमियां। ये जो हम पूरा महीना रोजा रखा था ना हमने, आप तो छोटे हैं, आपने नहीं रखा, लेकिन सबने रखा, हो सकता है मैंने भी रखे कुछ। हाँ, आपके और सारे फ्रेंड्स जो देख रहे हैं उन्होंने भी, प्यारे प्यारे बच्चों ने भी रखे होंगे। तो ये रोज़ा जो रख लेते हैं ना पूरा महीना, तो फिर ये ईद उनके लिए डे ऑफ रिवार्ड, डे ऑफ रिवार्ड, इनाम का दिन है। इनाम का दिन, जी। यानी जितने लोगों ने रोज़े रखे, अल्लाह की इबादत की, आज अल्लाह उनको ईदी देगा। ईदी, ईदी पैसे नहीं, ईदी में उनको जन्नत मिलेगी। ओह, जन्नत की ग्लैड टाइडिंग मिलेगी। तो ये जन्नत है? ये आपके लिए खुशी की बात है ना, तो रोज़े के बदले में अल्लाह मिल जाता है, अल्लाह की जन्नत मिल जाती है। तो ये मेरी जन्नत है। चले, आपके लिए यही हो गई। मैं पूछूं आप इसका क्या करेंगे? मैं एक न्यू बाइक साइकिल लूंगा। अच्छा, आपको साइकिल का शौक है। ओके, आपके घर में जगह है चलाने की? घर के अंदर नहीं, हमारे कॉरिडोर के नीचे जो ग्राउंड है उधर।
लेकिन आप कोई चीज तो नहीं तोड़ते साइकिल चलाते हुए? नहीं, जब चलाने वाला एक दफा तो मैंने अपने आप को वो मैंने जब मार दी बाइक के साथ। वो जो है ना बकरा ईद जिसको बोलते हैं, वो कुर्बानी की ईद है, वो अभी 2 महीने बाद तो आएगी। उसको ईद वैसे क्यों बुलाते हैं? ईद का मतलब खुशी का होता है, हम उस वक्त खुशी करते हैं। फिर इस वाली ईद को छोटी ईद क्यों बोलते हैं और उसको बड़ी ईद? ये एक दिन की होती है, वो 3 दिन की होती है बकरा ईद। 3 दिन तो बहुत है, 2 महीने बाद होगी। 2 महीने बाद 3 दिन के लिए आएगी ना। ओ अच्छा, अब मुझे समझ आया। शीशमिया इसको मीठी ईद भी बोलते हैं। मीठी ईद क्योंकि बकरा ईद पर तो हम लोग नमकीन ये सॉल्टी चीज़ें यानी गोश्त खाते हैं, कबाब बनते हैं, बिरयानी बनती है, ये जो है ना इस पे शीर खुरमा बनता है। छोटी ईद वैसे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि हम वैसे भी ये वाली ईद भी तो 3 दिन के लिए करते हैं। नहीं, आप भले से पूरा हफ्ता करें, फुल वीक मनाएं, आपको मना नहीं, लेकिन सेलिब्रेट एक दिन होती है क्योंकि उसमें 3 दिन तक कुर्बानी होती है ना। इसमें सिर्फ एक दिन नमाज पढ़ी, आप उसको पूरा वीक मनाएं वो मना नहीं है। पूरा होल मंथ आप ईद का मनाएं मना नहीं है। पूरा ईयर है, पूरा ईयर मना लें, अच्छे काम करेंगे ना। आपको एक बात बताऊं, इसमें शीर खुरमा पहले बताएं किसको कहते हैं, आपको पता है? शीर कहते हैं दूध को, दूध को पर्शियन में शीर कहते हैं, और खुरमा कहते हैं खजूर को, खजूर को। तो ये ड्राई डेट्स जिसको हम छुआरा कहते हैं ना, उसके साथ मिला के बहुत टेस्टी बनता है शीर खुरमा, वो बनाते हैं। मिठाई होती है, बड़े लोग छोटों को ईदी देते हैं। मैं आज आपके लिए भी चीजें बना के लाया हूँ। जी माशाल्लाह, बड़ी शीर खुरमा। शीर खुरमा भी है? ये मैंने शीर खुरमा नहीं बनाया, मामा ने बनाया, मैंने उनको बोला था ये लामा अंकल के लिए बना दे। माशाल्लाह, उनको मेरी तरफ से थैंक यू बोलिएगा। ठीक है, ठीक है ना, बहुत अच्छा किया। हजरत अली, हजरत अली आप जानते हैं, ये हमारे होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के कज़न भी थे और उनके सन इन लॉ भी थे। सन इन लॉ, और जो लोग पहले पहले मुसलमान हुए थे ना उनमें थे। तो ये ईद के दिन रो रहे थे। क्यों? किसी ने पूछ लिया, जो ड्राई, बिल्कुल ड्राई जो होता है ना ब्रेड का ड्राई पीस, उसको ना अपने नी पे रख के यूं हाथ से तोड़ रहे थे, इतना वो ड्राई हो गया था और हार्ड हो गया था। तो किसी ने कहा आज तो ईद का दिन है, लोग मिठाई खा रहे हैं और आप ईद के दिन रो रहे हैं और ये ड्राई ब्रेड खा रहे हैं आप। तो पता है हजरत अली ने क्या कहा? वो क्यों खा रहे थे वो? हजरत अली ने रिप्लाई दिया कि हम जिस दिन गुनाह नहीं करते वो दिन हमारे लिए ईद का दिन होता है, तुम तो सिर्फ आज सेलिब्रेट कर रहे हो। यानी वो गुनाह नहीं करते थे तो वो एवरी डे सेलिब्रेट करते थे। और वो कहने लगे कि लोग तो मीठे खाने खा रहे हैं, खुश हैं, मैं ये खा रहा हूँ कि मुझे अल्लाह को राज़ी करना है। अब मुसलमान की जो ईद है ना वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए। अब आपने अपने दोस्तों को ये कहना है कि एक दूसरे को प्यार करके अल्लाह को राज़ी करें, एक दूसरे को प्यार करके अल्लाह को राज़ी करें। हाँ, और किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को हर्ट नहीं करना, किसी को दिल नहीं दुखाना और किसी को हर्ट नहीं करना। हम ये करेंगे ना। स्टोरी में क्या है आज? स्टोरी में ये है कि हमारे होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम अपने घर से ईद के लिए, ईद की नमाज के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि अंडर द ट्री, एक दरख्त के नीचे एक आप जैसी एज का बच्चा रो रहा था। क्यों? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए और उसको पूछा तुम क्यों रो रहे हो, आज तो ईद का दिन है। शायद वो गिर गया था। नहीं,
लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे खाने खा रहे हैं, तुम यहाँ अकेले खड़े क्यों रो रहे हो? वो और ज़्यादा रोने लग गया। अच्छे कपड़े नहीं पहने थे? नहीं, वो और रोने लग गया। उसने कहा, जो बच्चे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं ना, उनके पेरेंट्स जिंदा हैं, मेरे पेरेंट्स जिंदा नहीं हैं, मैं ऑर्फन हूँ, यतीम हूँ, मुझे कोई कपड़े पहनाने वाला नहीं है, मुझे कोई अच्छे खाने खिलाने वाला नहीं है। तो उसकी ये बात सुनकर ना हमारे प्रॉफिट भी रोने लग गए। उनको अच्छा नहीं लगा कि ये बच्चा रो रहा है, तो वो उसका हाथ पकड़ के ना अपने घर ले गए। अपनी बेटी से उन्होंने कहा, इसको तैयार करो, ड्रेसअप करो अच्छी तरह। उसको तैयार किया, उन्होंने क्लोथ्स पहनाए, ड्रेसअप किया, हुजूर उसको साथ लेके आए मस्जिद में नमाज के लिए। और पता क्या कहा उसको? उसको कहा, क्या तुम इस बात पर खुश हो, आर यू हैप्पी कि मैं तुम्हारा बाप बन जाऊं? वो तो बहुत खुश हुआ होगा। इतना खुश हो गया कि उसकी तो डबल ईद हो गई। लेकिन मेरे प्रॉफिट ने मैसेज क्या दिया कि हमको खुशी में सबको इंक्लूड करना चाहिए, सबको शामिल करना चाहिए। हम अकेले अकेले खुशी नहीं मनाए, सब मनाए। आपको पता है, जब पाकिस्तान बना था तो 3 दिन के बाद ईद आई थी। हाँ, हमने अभी रमजान में पाकिस्तान डे मनाया था ना, आप भूल गए? नहीं। जब आपने झंडा भी लगाया था, आप फ्लैग पाकिस्तान का, अब तो उतर गया। तो 3 दिन के बाद जो ईद आई थी ना, तो सबके पास घर नहीं थे, लोग कैंप्स में थे, रिफ्यूजीज कैंप में थे, अभी सबको घर नहीं मिले थे। तो उस वक्त भी सब ने एक दूसरे से मिलके ईद मनाई थी। हमारे अलावा कोई कंट्री में ईद करते हैं? पूरी दुनिया में करते हैं, होल वर्ल्ड। क्रिश्चियन की अपनी टाइम होता है, ये मुसलमानों की ईद है। जब उनकी ईद होती है उसमें शेख खुरमा बनाते हैं? ये हमारी स्पेशलिटी है, उनकी अपनी डिफरेंट है। वो चॉकलेट बनाते हैं, केक बनाते हैं। हमारे यहाँ केक भी होता है, लेकिन ये शीर खुरमा हमारी स्पेशलिटी है। हम जर्दा बनाते हैं, स्पेशल है जी। आज आप मुझे कितनी स्टोरीज बताएंगे? जी, आपको एक और स्टोरी सुनाएंगे ताकि पता चले ईद पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए। फिर मैं भी आप अपने बारे में स्टोरी सुनाऊं? चलें, पहले आप सुना लें। मैं सुना लूं? अच्छा, तो ये लाइक ढेर से स्टोरीज हैं, लाइक छोटी छोटी। तो एक दफा मैं गया था नारायण का लान, क्या बोलते हैं उसको, जी, नॉर्दर्न एरियाज में, हमारे जो माउंटेन एरियाज हैं, उधर हम जाने वाले थे। तो इतना रश हो गया था, हम 24/7 ट्रैप हो गए थे वहाँ पे। ओहो। और फिर हम इतनी देर लगी थी, फिर हमने वेट करना पड़ा पूरी रात भी, और फिर पहुँच गए, और फिर हमें इतना मज़ा किया था। लेकिन कौन से दिनों में गए थे? ईद के दिनों में। तो बहुत से लोग जिनका नियर होते हैं ना, वो जाते हैं। और एक दफ़ा हम मरी गए थे, और हम हॉर्स राइडिंग पूरी फैमिली ने एक हॉर्स पे बैठे हुए थे, तो एक हॉर्स था जिसमें मेरी पप्पो बैठी हुई थी, वो हॉर्स भागने शुरू कर दिया था, तो हॉर्स को जो चला रहा था वो भी पीछे रह गया, फिर वो खुद चलाना पड़ा उनको हॉर्स। लेकिन उन्होंने कंट्रोल कर लिया था ना, वो हॉर्स खुद कंट्रोल हो रहा था। good, उसको good. वो थी ना आदत सो जी, वो दूसरे हॉर्सेस को फॉलो करके बस। तो ईद के दिनों में ना हम अपने रिलेटिव्स के घर भी जाते हैं, लेकिन अभी ये कोरोना की वजह से लोग डरे हुए हैं। लेकिन हमें अपने पेरेंट्स को, बड़ों को भी सलाम करना है, और जब भी उनको सलाम करते हैं ना, वो प्यार भी करते हैं, ईदी भी देते हैं। फैमिली से तो मिल सकते हैं ना? हाँ, लेकिन केयर करनी है हमने अपने आप को, एहतियात जिसको कहते हैं ना, वो SOPs कहते हैं। आपको ईदी मिलती थी तो आप क्या लेते थे उससे? हमारी ईदी बहुत थोड़ी होती थी, हम उसको संभाल के रखते थे। कितने रुपए होते थे? 1 रुपी। तो 1 रुपी में कितना क्या क्या आ सकता था? एक 1 रुपी फादर से मिल गया, कभी कोई और अंकल आ गए उन्होंने 1 रुपी, तो मैक्सिमम कभी 3 या 4 रुपीज हो जाती थी ना, जब मैं आपके जितना, बहुत खुश होते थे हम, उसको संभाल के रखते थे। उसमें कोई बुक ले ली, कोई और बुक आती थी 4 रुपी की? नहीं, एक बुक नहीं, 3 आ जाती थी। अब इतनी एक्सपेंसिव हो गई थी, बहुत चीज़ें एक्सपेंसिव हो गए। मैंने हैरी पॉटर का सेट उस वक्त तो फिर बहुत कम का होता होगा, लाइक
3 रुपीज का, अब तो 5,000 रुपीज का होता है, 5,000 डॉलर्स का एक तो। उस वक्त हैरी पॉटर नहीं था। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, अब जितना है रुपीज और पहले इतना कम होता। अल्लाह रहम करे। कैसे, अच्छा आपको कभी ख्याल आया कि आप तो ले लेंगे, जो पुअर है वो कैसे लेगा? इसलिए तो मैं उनके लिए तो बना रहा हूँ ये। ये उनके लिए फीलिंग्स होना जो है ना, ये भी क्वालिटी है। ये जो मेरे तमाम प्यारे प्यारे बच्चे देख रहे हैं या उनके बड़े पेरेंट्स देख रहे हैं, हमें आदत होती है मुलाजिमों को डांटने की, हमें आदत होती है उन्हें झिड़कने की। जब भी बात होगी लगेगा कोई स्टेजेस हैं, वो किसी और स्टेज पे हैं, हम किसी और लेवल पे हैं। वो भी तो इंसान है, वो भी अपनी माँओं के लाल हैं या अपने बापों की बेटियाँ हैं, और बच्चे भी आपस में। हमने किसी का दिल नहीं दुखाना ईद के दिन, और आदत बनानी है लोगों से प्यार करने की। आप प्यार करें तो आप दिल जीत सकते हैं। आप भी बताइएगा शीश मियाँ, जब प्यार करते हैं तो हम हार्ट विन करते हैं, दिल जीत लेते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? जी। आप किससे ईदी लेते हैं, और अगर ईदी मिलती भी आपको? अभी नहीं मिलती, अब तो लोग मुझसे लेते हैं। सब कहते हैं हमें ईदी दो, सब कहते हैं हमें ईदी। जैसे आप बोल रहे हैं पहले 1 रुपी का होता था, फिर 100 रुपी हुआ, फिर 500 रुपी हुआ, अब 1,000 मिलती है, और मेरे बड़े पापा तो 5,000 दे देते हैं। माशाल्लाह। मैं बड़ा हूँगा, मुझे ईदी नहीं मिलेगी, मुझे देनी पड़ेगी ईदी, और बहुत ज़्यादा। नहीं, जो आपके बड़े होंगे वो आपको देंगे, जो आपके छोटे होंगे वो आपसे लेंगे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ जब मैं आप जितना होऊंगा तब भी आपका कोई ना कोई हो सकता है, आपके मदर फादर होंगे वो आपको देंगे। देंगे फिर भी? बिल्कुल देंगे, इतने बड़े भी हो रहे फिर तो आप उनके लिए तो सिर्फ बेबी ही होंगे, फिर भी कितने बड़े भी हो जाए। हाँ, वो तो फिर भी ज्यादा ही बड़े होंगे। जी, हम अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा बेबी रहते हैं। हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा ना ये दिखाया, लड़ाई कैसे ख़त्म करते हैं। लड़ाई कैसे ख़त्म करते हैं? जी, वो आपको पता है ये जो होली काबा है, जो अल्लाह का घर है ना मक्का में, ये एक मर्तबा होली काबा क्यों कहते हैं? काबा का मतलब मैंने आपको बताया था ना, मैग्नेटिक पावर से वो खींचता है, और काबा कहते हैं रिस्पेक्टेड हाउस को, जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो। तो वो डिमोलिश हो गया था, तो उसके नए स्टोन लगा के उसकी दोबारा उन्होंने, टूट गया था जी, उसके पत्थर टूट गए थे ना, तो दोबारा बनाया था, बिल्ड किया था। तो वो क्या हुआ, जब वो बन गया ना, तो उसमें एक कॉर्नर पर हजरे अस्वद, हजरे अस्वद, हजर कहते हैं स्टोन को, अस्वद कहते हैं ब्लैक को। क्या मीनिंग हो गई? ब्लैक स्टोन। तो ये जो ब्लैक स्टोन जिसको बोलते हैं ना, ये पैराडाइज से आया था। हजरत आदम म्यूजियम में पड़ा हुआ है? नहीं, वहाँ लगा हुआ है काबे के अंदर, हजरत आदम की मुट्ठी में, कुबदतिल यद हदीस में ना, तो उनकी मुट्ठी में ये पत्थर था। तो ये बाद में टूट गया था, अब उसके पीसेस वहाँ लगे हुए। तो जब ये आया था जन्नत से, इसकी इतनी लाइट थी, जहाँ तक इसकी लाइट गई वही बाउंड्री बन गई हरम की, 9 माइल। इतनी ज़्यादा लाइट? ये क्योंकि वो पैराडाइज का स्टोन था, ये लोगों के गुनाह देख के ब्लैक हो गया। अल्लाह ने इसके अंदर इतनी पावर रखी है, ये देखता भी है, समझता भी है। ये बुरे लोग, लोग जो है अच्छे नहीं होते ना, लोगों को तौबा करनी चाहिए ना। अगर वाइट होता है ना, अच्छा लगता मुझे। जी, ये डे ऑफ जजमेंट विटनेस देगा, जो इसको चूमते हैं ना। डे ऑफ जजमेंट में सारा कुछ क्यों होता है? इसलिए कि वो रिजल्ट का दिन है। लेकिन लाइक डे ऑफ जजमेंट से पहले सारा कुछ अच्छा होगा, फिर एकदम से नहीं। जो मुसलमान होंगे, अच्छे होंगे, उनके लिए अच्छा ही होगा, पूरा दिन अच्छा होगा। तो जब वो स्टोन एक कॉर्नर में लगाना था, क्योंकि ये पैराडाइज का स्टोन था, तो वहाँ बहुत सारे ट्राइब जो थे ना, वो अल्लाह का हाउस बिल्ड कर रहे थे, उसमें डिफरेंट फैमिलीज थी। अब वो स्टोन जो था ना, वो सब बोलने लगे हम लगाएंगे।
एवरी फैमिली एवरी ट्राइब उनका जो लीडर था वो कहने लगा ये मैं लगाऊंगा। तो उनमें लड़ाई होने लग गई। क्यों? जो कह रहे थे मैं लगाऊंगा, वो कह रहा था मैं लगाऊंगा। आपके यहाँ भी हो जाती है ना, मैं पहले बारी लूंगा। बच्चे भी लड़ जाते हैं ना। आपकी कभी लड़ाई हुई भी? छोटी मोटी लड़ाई हुई होगी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उस तरह की लड़ाई नहीं, मार कुटाई वाली नहीं। तो वो उनके दरमियान फैसला नहीं हो रहा था कौन लगाएगा, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अभी इसको स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जो सबसे पहले ओलीकाबा में एंटर होगा ना, वो हमारा फैसला करेगा, ही विल अनाउंस कि हाउ टू पुट दिस स्टोन, ये कैसे लगाएं। और नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे ओली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले आए कहाँ, वहाँ ओलीकाबा में। तो वो सब खुश हो गए, कहने लगे ही इज़ अ राइट पर्सन, राइटियस पर्सन और ट्रू पर्सन, ट्रस्टवर्दी पर्सन। तो अब पता है हुजूर ने झगड़ा कैसे ख़त्म किया? एक शीट मंगाई, शीट चादर, उसके ऊपर वो आपने वो जो ब्लैक स्टोन था वो रख दिया और सबको बोला उठाओ। तो जब सबने उठाया तो सबने पार्टिसिपेट कर लिया, तो हुजूर ने खुद अपने हाथ से लगा दिया, तो झगड़ा ख़त्म कर दिया। इसका मतलब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत वाइज डिसीजन लिया। देखा ना, लड़ाई ख़त्म हो गई, ऐसा डिसीजन कि सब खुश हो गए। तो जो लीडर हों उनको लड़ाइयाँ ख़त्म करानी चाहिए, और घर के बड़े भी छोटों को लड़ने ना दें, ठीक है? तो आज ईद के दिन हम क्या मैसेज दें कि हमको झगड़े ख़त्म करने हैं, झगड़े ख़त्म करने हैं, ख़त्म बिल्कुल, ताकि हम प्यार से रहें। नाज़रीन, ईद का दिन खुशियों का दिन, अल्लाह ताला हम सबको सच्ची खुशियाँ दे, ये बलाएँ ये वबाएँ हमसे दूर कर दे, और हमारे पाकिस्तान को स्ट्रेंथ इस्तेहकाम अता करे। आप अपनी खुशियों में गरीबों को भी याद रखिएगा, कमज़ोरों को भी याद रखिएगा, और जो दूर कहीं हैं उनको भी, अल्लाह आप सबको खुशियाँ दे। गुफ्तगू में मुझसे कोई गलती हुई हो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। शीश मियाँ आपको एक बार फिर ईद मुबारक, और आपके साथ सबको ईद मुबारक। नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़ राम अंकल, अल्लाह हाफिज़।